हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जांपल 9.3 फ्रॉम चैप्टर लाइट। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो आपको दिया है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की एफ नेगेटिव होती है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हम रखें, दैट मीन्स यू आपको फाइंड करना है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कितनी डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। साइन अभी लगाते हैं। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। अब देखो, आपको ये पता है कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, हमेशा कैसी बनाता है बताओ, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज लेंसेज में वर्चुअल इमेज किस साइड बनती है, इधर या इधर। अगर ये आपका लेंस है तो वर्चुअल इमेज किस साइड बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनती है, ठीक है। तो वी नेगेटिव होगा वी नेगेटिव, क्लियर। तो वी नेगेटिव, ठीक है। अब हम लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन u5, चलो इसको डायरेक्ट पहले हम ले लेते हैं। 1 बाय f की साइड चेंज करते हैं और -1 बाय u की साइड चेंज करते हैं, तो +1 बाय u, ठीक है। अब वैल्यूज डालते हैं। वी कितना है, -10 और f है -15 इज इक्वल टू 1 बाय u, ठीक है। नेगेटिव साइन को पहले ऊपर ले जाएंगे हम, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम तभी लेते हैं हम जब नेगेटिव साइन को पहले ऊपर भेजते हैं, उसके बाद एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30, यहाँ पे हो जाएगा -3 + 2, दैट इज -1 बाय 30। तो आपको मिल गया 1 बाय u इक्वल टू -1 बाय 30, दैट मीन्स u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। और क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन u। लेंसेज के केस में v है -10 और u है -30, सो दिस इज 1 बाय 3। मैग्निफिकेशन इज 1 बाय 3 या फिर 0.33, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट छोटा हो गया ना। इमेज इज 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी, कैसे इमेज के बारे में आप क्या बोलोगे, इमेज है वर्चुअल इरेक्ट एंड 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। या आप बोल सकते हो कि मैग्निफिकेशन 0.33 है, क्लियर।